नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही डिलीशियस गुजराती डिश। तो सेव टमाटर की सब्जी आपने तो सुना ही होगा, एंड ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनको ये सब्जी पसंद ना आए। तो चलिए बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, तो जान लेते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कटा हुआ टमाटर, और हमें चाहिए 8 से 10 लहसुन का पेस्ट। पूरा फाइन पेस्ट नहीं बनाना, जस्ट थोड़ा बहुत ग्राइंड करना है। साथ ही हमें चाहिए कड़ी पत्ता, और उसके बाद हमें चाहिए सेव। कोई भी मिठाई की दुकान में आपको पतला सेव मिल जाएगा जो सब्जी बनाने में काम आता है, और अगर वो सेव ना मिले तो आप उसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं रतलामी सेव, यानी कि जो पैकेट में रतलामी सेव आता है, और रतलामी सेव तो और ज़्यादा ही टेस्टी बना देता है सब्जी को। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप्स पे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे तेल। तो 1 से 2 चम्मच हमें तेल लेना है, ये सब्जी में तेल बहुत ही कम लगता है। तेल को गर्म कर लेना है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच राई, यानी कि ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। उसके बाद थोड़ा ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच ऐड करेंगे उसमें हींग, और उसके बाद हम इसको थोड़ा पका लेंगे, यानी कि 1 से 2 मिनट में पूरा पक जाएगा। पकने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। 6 से 7 कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का जो पेस्ट बनाया था। लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसको प्रॉपरली भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड टोमेटोस, यानी कि कटा हुआ टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। मिर्च अपने स्वाद अनुसार, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच हल्दी। अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, एंड उसके बाद हम इसको प्रॉपरली मिला लेंगे ताकि जो मसाला है टमाटर में मिक्स हो जाए, एंड नीचे जो पेस्ट है वो भी प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अब हम इसको प्रॉपरली भून लेंगे। थोड़ी देर इसे भूनने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर है प्रॉपरली पक जाए। 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद अब हम इसको एक बार ओपन करेंगे, एंड उसके बाद इसको प्रॉपरली चला लेंगे ताकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी पक जाए। चलाने के बाद फिर से हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आपको कुछ इस टाइप का पेस्ट मिलेगा, यानी कि प्रॉपरली जो टमाटर है पक गया है। तो हम उसको क्रश करके देख सकते हैं कि टमाटर पका है या नहीं। जो टमाटर के बड़े पीसेस है उसको हम क्रश कर लेंगे एंड फाइन पेस्ट बना लेंगे, एंड उसको प्रॉपरली चलाते रहेंगे ताकि पूरा जो पेस्ट है मिक्स हो जाए, एंड कहीं कहीं जो बड़े पीसेस है वो भी क्रश हो जाए। इसी तरह हम इसको प्रॉपरली चलाते रहेंगे एंड क्रश करते रहेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें ऐड करना है 1 से 2 गिलास। अगर आपको ज़्यादा पानी ऐड करना है ज़्यादा ग्रेवी के लिए, तो आपको उसके अनुसार आपको मसाला ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको प्रॉपरली चला लेंगे एंड फिर से इसको कवर कर लेंगे। 4 से 5 मिनट इसको कवर करके रखेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे एंड इसको प्रॉपरली चला लेंगे। तो जो ग्रेवी है वो रेडी है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे रतलामी सेव। सेव ऐड करने के बाद अब हम इसको प्रॉपरली चला लेंगे ताकि जो भी पानी है वो सेव उसको ऑब्जर्व कर ले एंड थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। प्रॉपरली मिक्स करके अब हम इसको कवर कर लेंगे जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए। एक से दो मिनट के बाद अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि सब्जी अपना रेडी हो गया है। तो चलिए एक बार ओपन करके देखते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा धनिया पत्ता ताकि टेस्ट और अच्छा लगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो घर पे जरूर ट्राई करिएगा एंड बताइएगा कि कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते ना भूलना, और साथ में ही बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आप कोई मेरी लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर पाए। जय हिंद।